डियर लर्नर्स, आज हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। लूप के कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जॉब का रिपीटेशन होता है, दोहराया जाता है। जस्ट लाइक एग्जांपल, गन्ना का दुकान, गन्ने के दुकान में हम देखते हैं कि गन्ना का दुकानदार बार बार उस गन्ने को उस मशीन के अंदर एंट्री करता है और उस मशीन से बाहर निकालता है, जब तक कि वो डिजायर्ड गोल को अचीव ना कर सके। अर्थात जहां पे हमें इस तरह का वर्क करना पड़े, वर्क का रिपीटेशन करना पड़े, वर्क का दोहराना पड़े, वहां पर हम लोग लूप के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। लूप का अर्थ ही होता है रिपीटेशन, रिपीटेशन में दोहराना। तो इसका यूज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैटेगराइजेशन किया गया लूप को दो भाग में, एक को कहते हैं हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरे को कहते हैं हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप। लूप का अर्थ ही होता है दोहराना। अब है एंट्री कंट्रोल लूप में क्या क्या आएगा। तो एंट्री कंट्रोल लूप में आता है आपका फॉर लूप और व्हाइल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर आता है आपका डू व्हाइल लूप। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग प्रोग्राम में कैसे करते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, इस चीज को पहले हम लोग समझें। अगर किसी प्रोग्राम में हम ऐसा इंप्लीमेंटेशन करते हैं कि एंट्री करते लूप चलने से पहले वह या चेक करे क्या लूप चलना चाहिए या नहीं, अर्थात पहले कंडीशन चेक करे तब आपका प्रोग्राम रन करना शुरू करे, ऐसे लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप करते हैं। लेकिन कुछ लूप ऐसे होते हैं जिसमें एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद तब वह चेक करेगा कि क्या, तब वह टर्म एंड कंडीशन को चेक करता है, ऐसे लूप को हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। अर्थात लूप दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एंट्री कंट्रोल लूप और एक को कहते हैं हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप। तो किस प्रकार से इसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं, इस चीज को समझिए। अर्थात एग्जिट कंट्रोल लूप में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप, तो उसके लिए सिंटेक्स होगा डू, यहां पर हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे व्हाइल, व्हाइल के बाद टेस्ट कंडीशन लिखेंगे और टेस्ट कंडीशन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। अगर व्हाइल लूप के लिए बात कीजिएगा तो व्हाइल लूप में लिखने का पैटर्न होगा व्हाइल, यहां पर हम लोग कंडीशन लिखते हैं और आपका प्रोग्राम में आपका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहां पे। जबकि फॉर लूप में हम लोग फॉर लिखते हैं, इसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं और प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग कंपेरेटिव स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं व्हाइल लूप क्या काम करता है, डू व्हाइल लूप क्या काम करता है और फॉर लूप क्या काम करता है। अब इस चीज को हमको इंप्लीमेंट करनी है। तो हम लोग स्क्रीन को, हमने बोर्ड को तीन भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले यहां डू व्हाइल लूप, इस पोजीशन पे हम लोग व्हाइल लूप और यहां फॉर लूप के बारे में देखें। डू व्हाइल लूप वैसे लूप को कहते हैं जिसमें आपका प्रोग्राम एक बार रन करने के बाद तब चेक करता है कि वह एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं, अर्थात एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद तब उसमें टेस्ट कंडीशन लगाए जाते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, एक हम लोग काउंटिंग का प्रोग्राम विद हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप से बनाते हैं। इंट काउंट CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। काउंट इक्वल टू वन, काउंट नाम का वेरिएबल है जिसका इनिशियलाइजेशन वन से किए हैं। डू
प्रिंट एफ परसेंट डी काउंट, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन, वाइल वाइल के अंदर लिखेंगे हम लोग काउंट लेस देन इक्वल टू टेन, गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए और यहां पर इसको बंद किए। अभी हम लोग जो स्टडी के पैटर्न का यूज कर रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग कंपेरेटिव स्टडी, क्योंकि यहां पर हम लोग डू वाइल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप का एक ही साथ अध्ययन कर रहे हैं। अगर इसी प्रोग्राम को विद हेल्प ऑफ वाइल लूप बनाएंगे तो लिखेंगे वाइड मेन इंट काउंट सी एल आर एस सी आर, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए काउंट इक्वल टू वन वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू टेन, प्रिंट एफ परसेंट डी काउंट, गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए स्क्रीन को रोकने के लिए हम लोग गेट सी एच का यूज किया। अगर इसी चीज को हम लोग विद हेल्प ऑफ फॉर लूप करते हैं तो वहां लिखते हैं हम लोग वाइड मेन इंट काउंट सी एल आर एस सी आर, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए फॉर काउंट इक्वल टू वन से काउंट लेस देन इक्वल टू टेन, काउंट प्लस प्लस प्रिंट एफ स्लैश एन परसेंट डी काउंट, गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए और उसको बंद किए। अब इसे हम लोग कंपेरिजन करके समझते हैं। वाइल लूप और डू वाइल लूप में हमें तीन लाइन का यूज करना पड़ा है, इनिशियलाइजेशन पार्ट के लिए अलग लाइन, टेस्ट कंडीशन पार्ट के लिए अलग लाइन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए अलग लाइन का प्रयोग किए हैं। इसमें हम डू वाइल लूप के अंदर और वाइल लूप पे, जबकि वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट आपका इनिशियलाइजेशन पार्ट, टेस्ट कंडीशनल पार्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट एक ही लाइन के अंदर लिखा जाता है। दूसरी बात, डुअल लूप में एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद तब यहां पर वह चेक करेगा कि एग्जीक्यूट करना ही चाहिए या नहीं। अगर आप एटीएम का प्रोग्राम विद हेल्प ऑफ डुअल लूप बना देते हैं तो पर्सन एक बार एटीएम से पैसा निकाल लेगा, तब वह मशीन चेक करेगा क्या पैसे निकलना चाहिए या नहीं। तो बताइए कि क्या बैंक आपके सॉफ्टवेयर को परचेज करेगा, नहीं करेगा। लेकिन वाइल लूप से अगर बनाया जाता है तो वह उस इसके कंपेरिजन में अच्छा है, क्योंकि वह पहले चेक करेगा तब आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन यहां पर एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन लग गया है, इसी लाइन तीन लाइन को हमारा फॉर लूप में एक ही लाइन में लिखा जाता है। फॉर लूप में क्या होता है कि एक ही लाइन में तीन पार्ट्स होते हैं, पहला पार्ट को हम लोग इनिशियलाइजेशन पार्ट कहते हैं, दूसरे पार्ट को टेस्ट कंडीशन पार्ट कहते हैं, तीसरे पार्ट को अपडेशन पार्ट कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पहला पार्ट हमें यह बतलाता है लूप कहां से चलेगा, सेकेंड पार्ट हमें यह बतलाता है लूप कहां तक चलेगा, और थर्ड पार्ट यह बतलाता इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है लूप आगे की ओर बढ़ेगा या घटेगा। अर्थात हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, या तो एक से दस तक लूप चला सकते हैं तो यहां पर काउंट के वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, या दस से एक तक ले जा सकते हैं यहां काउंट के वैल्यू में डिक्रीमेंट होने का वर्क हो रहा है। तो तीसरा पार्ट को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट या अपडेशन पार्ट कहा जाता है, जहां पे लूप के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात होती है। इस तरह से हम लोग तीनों लूप के बारे में कंपेरेटिव स्टडी से समझ सकते हैं कि तीनों में क्या अंतर है। एक एग्जाम्पल और द्वारा हम लोग समझना चाहते हैं कि डू वाइल लूप, वाइल लूप और फॉर लूप में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू।
हम लोग फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डूआई लूप से वॉइड मेन इंट फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 इक्वल टू होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 120। यदि से कोई पूछ दे फैक्टोरियल 3 अर्थात 3 इंटू 2 इंटू 1 अर्थात 6 इंट नाम नाम का वेरिएबल लेंगे, फैक्ट नाम का और काउंट नाम का, सी एल आर एस सी आर प्रिंट एफ इनपुट द नंबर स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट नम। फैक्ट नाम के वेरिएबल में 1 असाइन कर देंगे, काउंट इक्वल टू 2 से, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, डू फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इन टू काउंट, काउंट के वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, लिखेंगे इसके लिए काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू नम। सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे, प्रिंट एफ परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए, फैक्ट गेट सी एच स्क्रीन रोकने के लिए क्लोज कर लिया, इसको बंद कर दिया। अब इसी प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप, वॉइड मेन इंट नम फैक्ट काउंट सी एल आर एस सी आर प्रिंट एफ इनपुट द नंबर स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट नम। फैक्ट का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर देंगे, काउंट इक्वल टू 2। जो टेस्ट कंडीशन इसमें अंत में था वह टेस्ट कंडीशन व्हाइल लूप में पहले लिखा जाता है, यहां भी टेस्ट कंडीशन लगा देंगे व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल टू नम, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू काउंट, काउंट के वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, लिखेंगे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, प्रिंट एफ परसेंट डी फैक्ट गेट सी एच स्क्रीन को रोकने के लिए और यहां क्लोज कर देंगे। इंट नम फैक्ट काउंट सी एल आर एस सी आर, ये पार्ट तीनों में कॉमन है, इनपुट द नंबर स्कैन इफ परसेंट डी एम परसेंट नम, फैक्ट इक्वल टू 1, जो जिसके लिए इसमें 3 लाइन लग रहा था, इसमें 3 लाइन लग रहा था और वह आपका फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, काउंट इक्वल टू 2, काउंट लेस देन इक्वल टू नम, काउंट प्लस प्लस, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू काउंट। आउटपुट हमारे किसके पास है, तो फैक्ट नाम के वेरिएबल के पास है, परसेंट डी फैक्ट, स्क्रीन को रोकेंगे विद द हेल्प ऑफ गेट सी एच और क्लोज कर ली बेसिस से इसको बंद कर देंगे। तो डू व्हाइल लूप में पहले एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद तब वह कंडीशन चेक करता है, व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक किया तब आपका प्रोग्राम रन करता है,
फॉर लूप में पहले कंडीशन चेक करता है तब आपका प्रोग्राम रन करता है। डिफरेंस है, डू व्हाइल लूप में तीन लाइन लिखना पड़ा है, व्हाइल लूप में भी तीन लाइन लिखना पड़ता है, लेकिन फॉर लूप में केवल सिंगल लाइन से कम आपका काम हो जाता है, अर्थात लाइन ऑफ कोड आपका डिक्रीज कर जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरे के कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।